हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि दोबारा से ये वीडियो कैसा। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ बिहाइंड द सीन के मेरे साथ मतलब क्या होता है जब मैं वीडियो बना के हटती हूँ, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। Hey there. तो मैंने अपना सूट जो Subscribe है to वो my चेंज channel कर लिया है and और also मैं press आपको this दिखाती bell हूँ। icon. आप देख सकते हो ये तो मैंने परमानेंटली लगा लिया, यहाँ पर तो भी हटाना लगाना पड़ता है। तो आपको ये मेरा बैकग्राउंड नया कैसा लगता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो बस इसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगी और ये चेंज कर देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है बैकग्राउंड। और दूसरा एक बैकग्राउंड मैं ये भी यूज़ करूँगी, धीरे धीरे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा बन जाएगा ना यहाँ पर। अगर मैं क्लोथिंग आइटम के वीडियो डालती हूँ तो यहाँ से ठीक रहेगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे आपका पूरा सूट या कुर्ती वगैरह दिखाया जाए। तो मैंने ये देखा कि अच्छा साइज आ रहा है। सी, आप क्या चाहते हो कि मैं क्लोथिंग आइटम का ज्यादा वीडियोस डाला करूँ तो मुझे जरूर बताना। और आप देख सकते हो कितना यहाँ से फैल फैल चुका है और बाहर सब्जी वाला भी आया है। तो आप देख सकते हो कितना फैल चुका। और पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। आरव नीचे है, बैठता नहीं है वो। तो आप देख सकते हो ये ब्रश वगैरह सारे फैले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, कैसे दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हो कितना फैला हुआ होता है यहाँ पर। पूरा घर मेरा फैल जाता है वीडियो बनाते समय। तो आप देख सकते हो आरव ऊपर से आ गया है और ये ऊपर गया था, थोड़ी बारिश हो रही थी। मानता रही है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तो इस कबर्ड में मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। आप देख सकते हो ये Subscribe to सारा my मेरा channel and also वीडियोस का press this है, bell का icon. सामान है, ज्वेलरी है। और देख सकते हो आपको ये रिंग है सारी, बट मैं पहनती हूँ तो थोड़ी ही थोड़ी पहनती हूँ। चूड़िया अच्छा, मम्मी की चूड़िया। तो मेरे पास सारी जो है हेयर मशीनें हैं। सी, तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ इसीलिए अगर आपको देखने हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो ये मेरे पास ब्रशेस हैं, ये सारे आई मेकअप ब्रश हैं। तो मैं सोच रही थी कि आपको कौन से आई मेकअप जो है वो करने के लिए ब्रश जो है इम्पोर्टेंट जो लगते हैं वो खरीदने चाहिए। आरव बात करने थे जरा सा। तो देख सकते हो मैं अपने ब्रशेस जो है वो पहले संभाल के रख देती हूँ। गाइस, बहुत मुश्किल होता है समेटना, बाद में सारा फैल जाता है। ढक्कन चुरा के ले गया। कौन ले गया भाई दवाई का? पहले मैं इस वीडियो के लिए मतलब जो मैंने मेकअप क्रिएट किया था ना उसके मैंने लिए भी ये आज वाले कर इयररिंग्स लिया। पहन रही थी। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? तो पहले मैं ये वाले इयररिंग्स पहन रही थी। खरे बड़े प्यारे लग रहे हैं इयररिंग्स। वाह, सब जगह पहन लो। यहाँ 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 तो ये मैंने लिए थे, लोकल मार्केट से लिए थे, 150 रुपीज़ के। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये तो मेरा फेवरेट कलर है, मस्टर्ड, रेड, पिंक, पर्पल, सारे ही मेरे वो डार्क शेड जो है मेरे पसंद के हैं। देखो मेरा डॉक्टर सेट, मेरा डॉक्टर सेट। और गाइस मैंने शो नहीं करा आपको, मैं दिखा दे रही हूँ इसी में।
सी आप देख सकते हो ऐसी बैंगल्स मुझे चाहिए थी तो, बट फ्लिपकार्ट पे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। और ये देख सकते हो आप ब्रेसलेट, जो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं वो इस तरीके से ब्रेसलेट पहन सकते हैं मंगलसूत्र के जैसा। और ये कड़े जो हैं गाइज मैंने मीशो से लिए थे, 165 रुपीज के हैं और ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक लिया था वो जो शिव जी का आपने देखा होगा त्रिशूल सा बन रहा है, तो गाइज वो तो दो तीन दिन में ही बिल्कुल ही ऐसा हो गया, बिल्कुल ही काला सा एकदम, उसका पॉलिश बिल्कुल चला गया। बट ये जो है ये बहुत अच्छे है और ये मैंने लिए थी क्लब फैक्ट्री से, तो मेरा मन था बहुत दिन से ये लेने का। और ये दो कड़े हैं 165 रुपीज़ का, आप ले सकते हो, बहुत अच्छे हैं। इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्योंकि लिंक तो दे ही नहीं सकती इसी तो से समय के आपसे बात करती हूँ। गाइस मैंने सब समय लिया है आप देख सकते हो सी। और ये थी मतलब ये थी क्या, ये है मेरी सारा मतलब मेकअप का आप देख सकते हो इसमें सब में मेकअप है। ओके सी इसमें भी मेकअप है, इसमें भी मेकअप ब्रशेस और लेंथ और ज्वेलरीज वगैरह है। और नीचे में जो है वो हेयर मशीन है, सारी मेरी हेयर मशीन है। अगर गाइज आपको मेरी कलेक्शन देखनी है तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, इतने दिन से मैंने कलेक्शन इकट्ठी करी है तो आपका देखना बनता है तो आप मुझे जरूर बताना। और पहले भी मैंने कलेक्शन शेयर की है, अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कलेक्शन देखनी है या नहीं देखनी है। चूड़ी है, बजरी है, तो आप देख सकते हो कितना मैसी हो जाता है सारा, इतना सारा। और अभी मुझे खाना भी बनाना है और सारा 12 बजे तक काम करके और फिर मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ, क्योंकि रात को नहीं बना सकती हूँ क्योंकि एक ही कमरा है, उसमें लाइटिंग जलेगी तो कैसे सोएंगे, डिस्टर्ब होगा थोड़ा, इसीलिए मैं इस टाइम वीडियो बनाती हूँ। और सुबह मैं काम कर लेती हूँ 12-1 बजे तक, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। आप देख सकते हो 5 बजे तक मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सफाई वगैरह करके और फिर वो आ जाएंगे तो उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, सबके लिए चाय, और उसके बाद खाना बनाऊंगी और
बस यही होता है डेली का रूटीन। और आप देख सकते हैं थोड़ी तबीयत तबीयत खराब हो जाती है, तब तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। ओ भाई गिर जाएगा बाबू, हाँ वो दाना हो गया यहाँ पर, मैंने आम ज्यादा खा लिए, और आपको भी जुकाम सा हो रहा है थोड़ा। तो गाइज आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मतलब पता नहीं कह नहीं सकती मैं, क्या पता मेरे साथ ही ऐसा हो रहा हो। तो आप देख सकते हो ये मैंने मंगवाया था वाओ का एप्पल साइडर विनेगर फिश वॉश, और आप देख सकते हो ये इस तरीके का आता है कुछ। बट गाइज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पता नहीं शायद मेरे साथ ही हो रहा है या सभी के साथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे यूज़ किया है कम से कम भी ये इतना ख़त्म हो चुका है, मैंने इसको 10 दिन यूज़ किया था। ओके सुबह और शाम में 10 दिन यूज़ किया था, कन्नू आवाज़ आ रही है बेटा, तो 10 दिन यूज़ किया था। तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने अपना फेस कैसे ठीक किया है। तो इसको यूज़ करने से मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने और दूसरा ओपन पोर्स इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे ओपन पोर्स कितने ज़्यादा हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उन्हें मेकअप करूँ तो उसके अंदर जाता है, तो ओपन पोर्स हमारे फिल होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। तो बट इससे यूज़ करने से क्या पता है इसका जो ब्रशेज है उससे मुझे थोड़ी सी आराम, मान जा आराम। ये बहुत तंग करता है मुझे वीडियो बनाते समय, टी शर्ट दिखा लो। अच्छा चलो, आर का बर्थडे आ रहा है, मैंने आर के लिए बहुत सारी टी शर्टें मंगवाई हैं। यहाँ पर जेब ओके, बहुत सारी तो नहीं थोड़ी मंगवाई है। ओके तो आप देख सकते हो ये वाओ का, और क्या पता मेरे को ये इससे यूज करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। बट गाइस मैं एक बात बता देती हूँ आपको, शायद जो भी बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा है। ओके सीरियसली मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और ये शायद मुझे इसलिए सूट नहीं कर रहा है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, हर्बल है, और बट एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक मेरी ड्राई स्किन है और या फिर जो भी मेरे साथ है स्किन के साथ है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा है। अगर इसको आप ऐसे लेके लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बट शायद मेरे को लगा ये जो ब्रशेज है ठीक है, ओपन पोर्स साफ क्लीन करता है, साफ करता है ठीक है, बट गाइज आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो सोच समझ के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसके ब्रशेज हैं उससे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा खुल से रहे हैं। मेरे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स खुल गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि कैसे फिल होंगे, बट मैंने फिल कर ही लिए इन्हें कैसे कैसे करके। तो आप देख सकते हो मुझे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, मेरे 450 रुपये वेस्ट हो गए। और दूसरा वो तो मैंने छोटा ही लिया था तो उसमें ठीक ठीक रहा, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है हम लोगों के साथ ऐसा। बट ये मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, शायद मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर स्पॉन्सर करती तो शायद कुछ कह नहीं सकती। लॉरियल का क्लियर माइक्रो एसेंस, तो आप देख सकते हो ये भी मैंने यूज किया था, तो मुझे मतलब 2-3 दिन तो ठीक लगा, बस 4th दिन ही गाइज इसके साथ मेरे साथ ये होने लग गया था कि मेरे यहाँ यहाँ पैचेज होने लग गए थे। आपको सीरियसली मैं ये नहीं है कि भाई मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ या इस प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं और हर किसी को सूट करते हैं या नहीं करते हैं, बट मुझे ये सूट नहीं करे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप खरीदे तो आपकी ड्राई स्किन हो तो उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के खरीदिएगा। तो आप देख सकते हो ये जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा और ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे अच्छे लगते हैं, बट जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम आपको इससे ज़रूर शेयर करते हैं, तो जो नहीं अच्छे लगते हैं वो उन्हें भी शेयर करना बनता है। आप अच्छी चीज़ों के पैसे लगाते हो तो बुरी चीज़ों के पैसे वेस्ट क्यों करना। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है ये भी मुझे नहीं पसंद आया और ये वाला मुझे नहीं पसंद आया, तो दोनों चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है। बस यही है आज का मेरा वीडियो, जो भी मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत कि मैं कैसे करती हूँ काम, और आपको मेरी मेकअप कलेक्शन देखना हो तो ज़रूर बताना, और बस इतना ही आज का वीडियो। और आरव लूसी है देखो, ये भी मेरे साथ मैं वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ बैठी रहती है ये। क्या देख रही है? इधर 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 इधर
ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सैनिटाइजर पीछे रखा है तो आप जरूर यूज करना उसे रोज रोज। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।